हाय फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक अन अकेडमी में हमें फॉलो नहीं किया है तो अन अकेडमी में आप हमें फॉलो कर लीजिए। अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया रहेगा। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद ओपन करिए, सर्च बॉक्स में जा करके आरती वर्मा लिखिए और वहाँ पे प्रोफाइल ओपन होगी जिसमें फॉलो ऑप्शन रहेगा, तो उसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि हम आपकी करा रहे हैं वहाँ पे सी टेट, एमपी टेट एंड डीलेट की प्रिपरेशन। तो जल्दी से करिए फॉलो। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आरती। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है कोड 507 का है, समुदाय और प्रारंभिक शिक्षा यूनिट 1 ले लेती हूँ, इम्पोर्टेंट एम सी क्यू ऑलवेज की तरह, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है और कोर्स अभी बहुत ज़्यादा है। तो आज से स्टार्ट कर देते हैं 507 का, क्योंकि 506 का जनरली जो कोर्स है आपका कंप्लीट हो चुका है, कुछ बचा हुआ है वो बीच में कर लूँगी। 507 जो है इसका भी कुछ कोर्स कराती रहूँ, जिससे आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो चलिए ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम सी क्यू। लेकिन यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थोड़ी सी पीडीएफ यहाँ पे आई थिंक उतनी क्लियर नहीं है जितनी होनी चाहिए, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी। इन्हीं क्वेश्चनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि दोस्तों, पड़ोसी, रिश्तों और अन्य समान रिश्तों को किस रिश्तों के अंतर्गत रखते हैं? और ये ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में बताया था, लेक्चर वीडियो में। तो दोस्त जो होते हैं, दोस्तों को, पड़ोसी रिश्ते जो होते हैं और अन्य समान रिश्तों को, तो देखिए तृतीय रिश्ते में रखते हैं, ठीक है ना। प्रथम रिश्ते में परिवार आता है, जिसमें माँ बहन भाई होते हैं। द्वितीय रिश्ते में दादा दादी चाचा चाची लोग होते हैं। और जो आपका तृतीय रिश्ता होता है, यानी प्राथमिक में माँ बाप फैमिली होती है, द्वितीय में चाचा चाची दादा दादी लोग होते हैं, तृतीय में दोस्त पड़ोसी और अन्य रिश्ते होते हैं। रिक्त स्थान भर लेते हैं, भूमिका एक व्यक्ति की डैश का समुच्चय है, तो भूमिका एक व्यक्ति की क्रियाओं का समुच्चय चाहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सोसाइटी शब्द सोसाइटस से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है दोस्त। और जो सोसाइटी शब्द है वो सोसाइटस से उत्पन्न है, तो जिसका अर्थ दोस्त और क्या होता है? तो देखिए बंधु, दोस्त और बंधु, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। सोसाइटी शब्द सोसाइटस से लिया गया है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सोसाइटी शब्द है वो किस शब्द से बना है, तो सोसाइटस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्त और बंधु होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि समुदाय किसका संघटक है, किसका संघटक है? तो समुदाय जो है समाज का संघटक है, ठीक है ना। परिवार के संबंध में कौन सा कथन ठीक है? अब यहाँ पे बता, तो देखिए इसमें पहला है कि परिवार पहला विद्यालय है जहाँ बच्चे अपना प्रारंभिक अधिगम शुरू करते हैं, यहाँ पे ठीक कथन बताना है, सही कथन बताना है। दूसरा देख लेते हैं कि परिवार किसी भी समुदाय एवं समाज की एक मौलिक इकाई है और परिवार का विश्व भर में सार्वभौमिक अस्तित्व है। उपरोक्त सभी, राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि सच में परिवार जो होता है, तो बच्चे पहली जो पाठशाला बच्चों की होती है, विद्यालय स्कूल होता है, वो परिवार ही होता है, घर होता है जहाँ पे बहुत कुछ सीखता है। फिर दूसरा सही है कि परिवार किसी भी समुदाय और समाज की एक मौलिक इकाई होती है और परिवार का विश्व भर में सार्वभौमिक अस्तित्व है। तो जो तीनों ऑप्शन है सही है। थोड़ा सा माफी चाहूंगी, नॉइज प्रॉब्लम हो रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि समाजशास्त्री ने धर्म को पवित्र चीजों में संबंधित मान्यताओं एवं आदतों को एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है, अब आपको बताना है। तो ये जो आपके इमाइल डर्किम है और बहुत ही फेमस है, ये समाजशास्त्री हैं, तो इन्होंने ये कहा था कि जो धर्म है जो पवित्र चीज़ों से संबंधित मान्यताओं एवं आदतों को एकीकृत प्रणाली के रूप में इन्होंने बताया था धर्म को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सार्वभौमिक कार्य है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सार्वभौमिक कार्य है? तो देखिए समाज के सदस्यों का समाजीकरण करना, ये भी शिक्षा का मेन काम है। अगली पीढ़ी को संस्कृत संप्रेषित करना, ये भी शिक्षा का ही काम है। मानव संसाधन से संबंधित समाज की जरूरतों को परिपूर्ण करना, ये भी शिक्षा से काम है। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो शिक्षा का सार्वभौमिक काम, इसको थोड़ा याद भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, तो आप लिख सकते हैं पॉइंट बना के, समाज के सदस्यों का समाजीकरण करना शिक्षा का काम होता है, बिना शिक्षा के समाजीकरण हो ही नहीं सकता है। संस्कृति जो होती है वो अगले पीढ़ी तक स्थानांतरित हो, तो बिना शिक्षा के हो ही नहीं सकती, कोई लिखने वाला नहीं होगा, बताने वाला नहीं होगा, तो कैसे संस्कृति आगे की पीढ़ी में संप्रेषित होगी, आगे की पीढ़ी में बढ़ेगी जाएगी, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस विद्वान के अनुसार राजनीति मुख्य शक्ति के विभाजन और समाज में सत्ता से संबद्ध है? ये किसने कहा था, आपके टॉलकॉट ने, और या फिर टीवी बाटमोर ने कहा था, या फिर ये कहा था आपके जान डीवी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा
खा यानी कि टीबी बाट मोन ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय समाज में अनेकता में इनमें से कौन सा कारक नहीं है। भारतीय समाज में अनेकता में इनमें से कौन सा कारक नहीं है, एकता में नहीं, अनेकता की बात चल रही है। तो देखिए वर्ग प्रणाली जो है इसको कारक नहीं माना जाता है अनेकता में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय महाद्वीप के प्राचीनतम निवासी नहीं है। भारतीय महाद्वीप के प्राचीनतम निवासी नहीं है, आपको बताना है। तो आपने पहले भी पढ़ चुका है कि कौन कौन सी चार जातियां होती हैं, कौन कौन से निवासी हैं, 501 में आपने इसको पढ़ा है। तो देखिए इसमें जो नार्डिक क्षेत्रीय होते हैं ये प्राचीनतम भारतीय महाद्वीप के निवासी नहीं है, बल्कि नेग्रिटो, प्रोस्टो, ऑस्ट्रेलाइड और मंगोलाइड जो है ये प्राचीन निवासी हैं भारत के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा भारतीय संविधान में सूचीबद्ध नहीं है। कौन सी क्षेत्रीय भाषा है जो भारतीय संविधान में सूचीबद्ध नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन और इसके पहले वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भील, गोंडी और कुमायनू जो है ये तीनों भाषाएं आपकी भारतीय भाषा में सूचीबद्ध हैं, इनको स्थान दिया गया है एक रीजनल लैंग्वेज के रूप में, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय समाज में एकता के लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। एकता के लक्षण जो होते हैं उनमें से कौन सा नहीं है, एक राजनीतिक अस्तित्व, पृथक समुदाय, वर्ग प्रणाली और अगला है हमारा नेक्स्ट है सामान्य संस्कृति। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका पृथक समुदाय, क्योंकि पृथक समुदाय जो होगी तो एकता के लक्षण कैसे हो सकते हैं, ये तो पृथकता के लक्षण हो गए, अलगाव के लक्षण हो गए, तो एकता के लक्षण में पृथक समुदाय नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि धर्म दीन ए इलाही किस राजा की संकल्पना थी। धर्म दीन ए इलाही तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है अकबर की संकल्पना थी धर्म दीन ए इलाही, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में आए कौन सा समूह विश्व के भागों से आए प्रवासियों का प्रमुख समूह है। अब बताना है कि इनमें से जो नाम नीचे दिए हैं इनमें से कौन सा समूह है, कौन सा नाम है जो भारत में विश्व के विविध भागों से आए हुए अप्रवासियों का समूह है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी मंगोल, कुषाण और शक जो थे भारत में बाहर से आए हुए अप्रवासी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक के लेखक कौन है। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है। तो देखिए ए आर देसाई जो है इसके राइटर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि किस विचारक ने यह तर्क दिया कि विद्यालय एक लघु चित्र है और समाज का परावर्तन थोड़ा वैयक्तिक है। ये आपको बताना है कि किसने तर्क दिया, किसने कहा कि विद्यालय एक लघु चित्र है और समाज का परावर्तन थोड़ा वैयक्तिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, या फिर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा है, रिक्त स्थान भरने के लिए कि विद्यालय और विद्यालयी प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य सामाजिक प्रगति, देश की वृद्धि और पोषण करना है। तो देखिए प्रजातंत्र के विस्तार की वृद्धि और पोषण करना है। ओके, संस्कृत को निम्नलिखित प्रकार से किसने परिभाषित किया, संस्कृत को निम्नलिखित प्रकार से किसने परिभाषित किया है। किस एक जटिल संपूर्णता जिसमें समाज के एक सदस्य के रूप में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, मान्यताएं, कला, नियम, नैतिकता, रीतियां और अन्योग्यताएं मवाते शामिल है, ये किसने कहा है। तो देखिए ईवी टेलर जो है उन्होंने कहा है। ओके, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात किन संवैधानिक प्रावधानों ने कुलीनतावादी उपागम को समानतावादी उपागम में बदल दिया। अब संवैधानिक प्रावधान यहाँ पे अनुच्छेद बताने हैं जिसने कुलीनतावादी उपागम को समानतावादी उपागम में बदल दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 से 45। ये अनुच्छेद 21 जो है आपका मूल अधिकार और शिक्षा का अधिकार है, ठीक है ना। ये जो अनुच्छेद 21 ए है शिक्षा का अधिकार और 45 जो है मूल अधिकार है, दोनों ये आपके इम्पोर्टेंट हैं और यही है कुलीनतावादी को समानतावादी में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सही या गलत का देख लेते हैं कि सामाजिक गतिशीलता के दो महत्वपूर्ण कारक हैं शिक्षा और आय स्थिति, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं क्या है ये सही या गलत है। तो राइट है, बिल्कुल सही आंसर है ये। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया कैसे विकसित होती है, शिक्षा की प्रक्रिया कैसे विकसित होती है। तो उपरोक्त सभी से, यानी सामाजिक संरचना में, सामाजिक नियमों में, मूल्य प्रणालियों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो विकसित होती है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परंपरागत रूप से शिक्षा किन धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है? परंपरागत रूप से शिक्षा किन धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है? तो देखिए, ईसाई मिशनरियों और इस्लामी मदरसों और बौद्ध विहारों द्वारा, क्योंकि परंपरागत रूप से पूछा है और धार्मिक संस्थाओं द्वारा पूछा है, दो चीजें यहाँ पे हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रांस के समाजशास्त्री जो आपके थे पेरे बंडूरा ने देखा कि शिक्षा प्रभावी वर्ग की संस्कृति को स्थायी करता है, इस प्रदेश को उन्होंने क्या कहा था? जो पेरे बंडूरा है, उन्होंने देखा था कि शिक्षा प्रभावी वर्ग की संस्कृति को स्थायित्व तो करता है, स्थायी करता है, तो इस प्रदेश को उन्होंने क्या नाम दिया था? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन नाम दिया था। क्या दिया था? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन नाम दिया था। ओके, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि समाजवादी राज्य सामान्य शिक्षा प्रणाली का दावा करते हैं, इसका मुख्य उदाहरण है। जो समाजवादी राज्य होते हैं वो सामान्य शिक्षा प्रणाली का दावा करते हैं, इसका मुख्य उदाहरण क्या है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका का, यानी जर्मनी इसका मुख्य उदाहरण है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर औपचारिक शिक्षा से संबंधित नहीं है? गैर औपचारिक शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खा, यानी थोड़ा दृढ़ पाठ्यचर्या प्रस्तुत करता है जो कि औपचारिक शिक्षा से संबंधित नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अपेक्षित नहीं होती है, विद्यार्थियों से शिक्षक के बीच संपर्क को घटाता है, अधिकांश गतिविधियां संस्थान से बाहर होती है। बिल्कुल सही है, औपचारिक शिक्षा से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, जो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली होती है, किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपको बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है ये। तो देखिए, गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जो कि आप कर रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका 507 का और यूनिट 1 का है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, उसका लिंक तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अनअकैडमी में हमें फॉलो कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इग्नू से रिलेटेड कोई आप क्वेरी करना चाहते हैं, इग्नू से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इग्नू की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल करियर गाइडेंस है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ क्वेरी कर सकते हैं आप। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।